दोस्तों ठंडा का दिन में, अभी ठंडा का दिन आ रहा है, तो उसमें हम लोग को ठंडा होना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोग मान ही रहे हो। लेकिन ठंडा करने वाला जो स्टॉक है सिम्फोनी लिमिटेड, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा आप लोग को ट्रैप मिलेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। तो चाहे वो रेसिडेंशियल की बात कर लो, चाहे वो कमर्शियल की बात कर लो, या इंडस्ट्रियल की बात कर लो, एयर कूलिंग में बहुत अच्छा सेगमेंट में ये अपना प्रेजेंस बनाया हुआ रखा हुआ है, चाहे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेगमेंट में, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका जो एनुअल रिपोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा के ऊपर बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा में निकाला हुआ, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपका कंपनी कैसा है ऑलरेडी, अगर आप लोग का इन्वेस्टमेंट है तो, अगर नहीं है तो आप लोग कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग इसका फंडामेंटल भी देखेंगे, और लास्ट में हम लोग टेक्निकल पे बहुत अच्छा निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन सा जो प्राइस है हम लोग को वहाँ से पिक करना है। और सबसे ज़्यादा अच्छा बात है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, और वो स्टॉप लॉस को स्ट्रेटली फॉलो करना है, मैं आपको बार बार बोलूँगा, करेक्ट। तो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सिम्फोनी लिमिटेड के ऊपर मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डायरेक्ट में आपका साथ, मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ सिम्फोनी लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ फाइल जो इसका मैं निकाला हुआ हूँ एनुअल रिपोर्ट 2019 एंड 20 का, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि 50% से लगभग 50% मार्केट शेयर है ऑन 2019 एंड 20 में, मतलब लगभग आप लोग सोच सकते हो मार्केट लीडर, जिसका 50% से ज़्यादा अगर मार्केट शेयर हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट लीडर उसका हम लोग मानते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तीन सेगमेंट में वो काम कर रहा है, चाहे कूलिंग एक सेगमेंट सोच सकते हो, या स्लीपवेल में मैट्रिसेस में आप लोग बात कर सकते हो, करेक्ट। और यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो 70+ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, हर सेगमेंट में, हर क्लास के लिए, हर यूज के लिए, हर यूटिलाइजेशन के लिए आप लोग का अलग अलग प्रोडक्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिम्फोनी का कोई भी प्रोडक्ट आप लोग देख लो, यार ये तो लग्जरी सेगमेंट में फोकस कर रहा है, यार ये तो पूरा लोअर सेगमेंट में फोकस कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर जगह में इसका प्रेजेंस है, करेक्ट। और यहाँ पे और जो मैं आपको सर बात करने वाला हूँ 9 नंबर पेज में, वो हो गया कि 1000 से ज़्यादा रिटेल शॉप के साथ इसका डायरेक्टली टाई अप है, डायरेक्टली टच है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर कोई भी बात किया जाए कि कैसे उनका होम डिलीवरी भी कभी शुरू किए हैं, मैं जितना बात किया हुआ था, और यहाँ पे अगर फिनेंशियल फाउंडेशन देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा फाउंडेशन देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा इसका डेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो तो हम लोग फंडामेंटल में देखेंगे। फिर हम लोग चलेंगे इसका और एक जो सेगमेंट है 122 पेज में है, उसको मैं थोड़ा सा आपको लेना चाहूँगा। 122 यहाँ पर क्या हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो सिम्फोनी और सेंसेक्स और सिम्फोनी निफ्टी के ऊपर, ये थोड़ा सा टेक्निकल मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जो इसका फॉल है निफ्टी और सेंसेक्स के साथ कम से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जो हम लोग निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशियंट की बात करते हैं तो उस वहाँ पे हम लोग को उतना जाने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसका जो परफॉर्मेंस है, इसका परफॉर्मेंस आप लोग पता कर सकते हो कि सेंसेक्स निफ्टी के साथ इसका मूवमेंट कितना शार्पली हुआ है, करेक्ट। खाली यहाँ पे जो थोड़ा सा ये हुआ था, थोड़ा सा गिरावट हुआ था, उसके साथ परफॉर्म नहीं कर पाया था, बट बाद में उसको रिस्पॉन्ड करके आराम से अपने आप मिल गया, करेक्ट। तो निफ्टी सेंसेक्स का जिस तरफ भी मूवमेंट होगा, उस तरफ भी आप लोग का सिम्फोनी लिमिटेड के ऊपर मूवमेंट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूँगा सीधा हम लोग का फंडामेंटल एनालिसिस में, एक मिडकैप कंपनी है, मिडकैप कंपनी के हिसाब से 6064 करोड़ का एक कंपनी है, करेक्ट। और जो ROCE है ये आपको शानदार दिखेगा, बहुत बार मैं बात भी कर चुका हूँ इसके बारे में, 28.9% का ROCE आप लोग को दिखेगा। अगर पीयर्स कंपेरिजन किया जाए तो 36 ऑन एन एवरेज 5 साल का एवरेज आप लोग को दिखेगा सिम्फोनी में, करेक्ट। और डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स में आप लोग बात करोगे तो हॉकिंस कुकर्स का सबसे हाईएस्ट है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे सिम्फोनी के ऊपर देखा जाए तो सिम्फोनी बाकी सेगमेंट में, अगर जो कूलिंग सेगमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में हो गया, तो आप लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ROCE दिख जाएगा। अगर उसके हिसाब से पी की रेशियो की बात किया जाए तो बहुत सस्ता वैल्यूएशन में यह ट्रेड कर रहा है, करेक्ट। और यहाँ पर मैं बात करूँगा डेट की, 210 करोड़ का डेट है, और ये 210 करोड़ ज़्यादा भारी नहीं होगा
करेक्ट, इसका मतलब क्यों मैं आपको भी बता देता हूँ उसको भी। तो यहाँ पे आप लोग को जो प्रॉफिट लॉस में अगर आप लोग जाओगे तो नेट प्रॉफिट आप लोग को कंसिस्टेंटली ग्रोइंग होता हो तो देखने के लिए मिलेगा एक्सेप्ट 2019। तो वहाँ पे आप लोग को ये जो 181 का प्रॉफिट अगर 2020 में दिख रहा है और यहाँ पे 250 करोड़ का 210 करोड़ का जो डेट है उसको चुकाने के लिए एक साल भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास रिजर्व्स है, वो भी 625 करोड़ का रिजर्व्स ऑलरेडी है। ठीक है, यह उसको तो डेट के लिए हम लोग को यहाँ पे परेशान होना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और बहुत अच्छी बात है यहाँ पे जो कि 75% प्रोमोटर होल्डिंग्स है, ये तो आपको हर तरफ का जो भी डाउट है उसको कैंसिल करके यहाँ पे आप लोग को एक अच्छा खासा निष्कर्ष में पहुँचा सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। करेक्ट, और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता 0.33 जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप लोग को ठीक ठाक दिख जाएगा 28.2%, ठीक ठाक तो नहीं बहुत अच्छा भी दिख जाएगा ये। करेक्ट, और प्लेस परसेंटेज कम्प्लीटली जीरो है, तो प्लेस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और जो अर्निंग पर शेयर प्रीसीडिंग ईयर के देखा जाए 13 रुपये दिखा रहा है, थोड़ा सा कम है बट स्टिल इट इज़ ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। करेक्ट, और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो 3 साल का, लास्ट 3 साल का आप लोगों को पॉजिटिव दिख जाएगा और लास्ट 5 साल का जो दिखेगा वो भी पॉजिटिव दिख जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे फंडामेंटली कम्प्लीटली बहुत अच्छा आपका फंडामेंटल मिल जाएगा, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कहीं पे भी आप लोग नेगेटिव पॉइंट उतना ज़्यादा नहीं निकाल सकते और बहुत अच्छे से ये अपने हिसाब से काम कर रहा है। करेक्ट, तो हम लोग टेक्निकल पे चलते हैं। तो टेक्निकल क्या बोल रहा है, यहाँ पे बहुत उछाल उथल पुछाल होने के बाद इतना लंबा बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज में जा चुका था, तो अभी भी वही कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहा है फॉर द 1 डे चार्ट। करेक्ट, और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो आप लोगों को सेम सिचुएशन यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है फ्रॉम लास्ट 2 to 3 months। करेक्ट, तो इसी हिसाब से आप लोग देखा जाए तो यहाँ पे किस तरह ब्रेकआउट होगा उसको जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। करेक्ट, मैं जान पा रहा हूँ उसको। और 1 month के हिसाब से देखा जाए यहाँ पे अभी भी गिरावट बाकी है और इंटेंसिटी थोड़ा सा लूज हुआ है, जो नीचे गिर रहा था उसका जो इंटेंसिटी है थोड़ा सा लूज हुआ है। तो उस हिसाब से भी हम लोग एक देख सकते हैं कि फर्दर अगर 1 से 2 महीना तक यहाँ पे एक जो गिरावट है वो थोड़ा थमने वाला, जिस हिसाब से गिरा हुआ था उस हिसाब से नहीं गिरने वाला है। तो 5813 में एक चीज़ आप लोग नहीं निकाल सकते कि ये कौन सा तरफ का ब्रेकआउट होगा, एक चीज़ आप लोग ला सकते हो कि ये कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है और ब्रेकआउट तो होना ही है, लेकिन किस तरफ होगा वह हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हो गया मल्टीपेगर पैटर्न, तो मल्टीपेगर के हिसाब से यहाँ पे आप लोग को कोई भी जो भी होता है ना 3 गुना 4 गुना टाइप का वो वाला आप लोग को नहीं दिखेगा। ओके, तो उस हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे सिम्फोन लिमिटेड थोड़ा सा फेल है, फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए कि बहुत अच्छा रिटर्न उस टाइप का यहाँ पे नहीं बन रहा है। करेक्ट, लेकिन यहाँ पे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जैसे एज यूजुअल फॉलो करना चाहिए वैसे ही कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप लोग कोई ज़्यादा अच्छा निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा जिसमें निष्कर्ष निकलेगा। करेक्ट, तो यहाँ पे मैं इसका जो सबसे रिलायबल पैटर्न होता है कैंडलस्टिक की उसके ऊपर अगर बात करूँ तो सबसे पहले स्टॉप लॉस की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो आप लोग का सपोर्ट बन रहा है 833, ये आप लोग का स्टॉप लॉस मानना चाहिए। अगर थोड़ा सा नीचे आप लोग जा सकते हो तो 825 विल बी द लास्ट स्टॉप लॉस। करेक्ट, और आगे का व्यू कितना देखना चाहिए तो यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हो कि सबसे पहले तो ये वाला जो लेवल टूटेगा ऊपर की तरफ तो सबसे पहले जो नियरेस्ट टारगेट होगा दैट इज़ 970। करेक्ट, 970 के बाद यहाँ पे जो फोर्सफुली जो काम आए जो मूवमेंट आएगा वो सीधा आपको लेके पहुँच सकता है 1219, 1200 भी पकड़ सकते हो। तो 833 स्टॉप लॉस और 1200 का टारगेट, तो ये वाला आप लोग कहीं पे नोट कर लो या यहीं पे आप अगर होता है तो आप लोग सुन लो या याद भी रख लो जो भी आपका मन है। तो यहाँ पे मैं आपका फिर से बता देता हूँ 820 आपका क्या, हाँ 820 इज़ स्टॉप लॉस एंड 1200 इज़ द टारगेट। तो इस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बात करूँगा डाइवर्जेंस की, बहुत अच्छा डाइवर्जेंस बना है लेकिन थोड़ा आँख के सामने आना थोड़ा मुश्किल था तो इसको मैं निकाला हुआ हूँ। यहाँ पे बना हुआ है लो हायर लो। करेक्ट, और यहाँ पे बना हुआ है लोअर लो वॉल्यूम में, तो इसके हिसाब से RSI में मैं बात कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से ये एक बुलिश ट्रेंड है, बुलिश रिवर्सल है। तो यहाँ पे एक उछाल दिखाया भी हुआ है 842-866 तक, ये जो उछाल है बहुत अच्छा खासा उछाल है। तो उस हिसाब से हम लोग देखा जाए कि 5813 और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऊपर की तरफ ही होगा।
करेक्ट। तो इसका जो ब्रेकआउट है, तो आप लोग अगर कैप्चर करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन जो स्ट्रीटली स्टॉप लॉस फॉलो करना वो वाला दिमाग में आप लोग रख लेना, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूँगा अगर निफ्टी के साथ कोरिलेशन की, तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि अच्छा खासा कोरिलेशन है और निफ्टी और सेंसेक्स को अच्छा खासा ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा अगर स्टॉकेस्टिक आरएसआई के ऊपर, तो यहाँ पे मैं स्टॉकेस्टिक आरएसआई ले आया हूँ और यहाँ पे मैं इसका जो कोड है उसको मैं टाइप कर दिया, एनएससी ले आया सामने। तो यहाँ पे एक उछाल दिखाया हुआ है, एक दो कैंड तीन ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा आप लोग का कंफर्मेशन आ जाता है कि शॉर्ट टर्म में ये अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा सकता है। और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे एक गिरावट दिखाने के लिए कोशिश ज़रूर कर रहा है, करेक्ट। तो फॉर द शॉर्ट टर्म आप लोगों को यहाँ पे एक उछाल दिखाने के लिए मिल सकता है, जो कि हम लोग 1 डे में देख चुके हैं। और 1 वीक 1 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बना हुआ है और ये ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब और अच्छे से यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 1 डे और 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे उछाल दिखाना है, तो 1 वीक में जो गिरावट है वो ज़्यादा टाइम तक ये सस्टेन नहीं करेगा। तो अगर सब कोई चार्ट यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है तो आप लोग को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, करेक्ट। जो स्टॉप लॉस है उसको अच्छे से फॉलो करना, और आगे के लिए जितना भी है टारगेट मैं आपके साथ बात किया 1200 का, तो यहाँ पे आप लोग उस हिसाब से काम जरूर करना। तो ये था हम लोग का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे आप लोग कैसा आप लोग का रिस्पॉन्ड करना है इस स्टॉक को, इस वीडियो को, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे कोई भी सलाह या सजेशन नहीं है, आपका अपना इन्वेस्टमेंट अपना खुद का डिसीजन के हिसाब से करना, अपना खुद का एनालिसिस के हिसाब से करना। तो कैसा लगा ये वाला वीडियो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो एक बार लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपका भी कौन सा स्टॉक के ऊपर मन है वो भी आप लोग देख सकते हो। अब डेली एक एक स्टॉक अपलोड हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका अपना अपना फैमिली का अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।